As you all know, we have amidst us Priti Shahani. She is the founder of production company Junglee Pictures and has produced successful and acclaimed films like Raazi, Bareilly Ki Barfi and Talvar. I'd request Priti to please come up on the stage, and I request Dipali Garji to please come and felicitate our guest. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से प्रीति शाहानी जी का हम कहेंगे कि रिश्ता बन गया है, क्योंकि इन्होंने दो फिल्में यहाँ पे प्रोड्यूस करी हैं. तलवार इन्होंने नोएडा में शूट करी थी और बरेली की बर्फ़ी इन्होंने लखनऊ में की थी. तो अब पहला सवाल मैं यही कहूँगा, सबका एक्साइटमेंट या मेरी भी जो जिज्ञासा यही है कि बरेली की बर्फ़ी और बधाई हो की सक्सेस के बाद अब आप उत्तर प्रदेश में अगली फिल्म क्या लेके आ रही हैं और कब लेके आ रही हैं? आई थिंक अगले साल पक्का हम यहाँ आएंगे. पर अनाउंसमेंट की नहीं है फिल्म की, बट कहानी है. तो पहला सवाल यही एक जहन में आता है कि कैसे कर लेती हैं आप, कैसे कहानियाँ चुनती हैं, कैसे इतनी सक्सेसफुल फिल्में आप बनाती हैं? राजी 100 करोड़, बधाई हो 100 करोड़, जिसमें राजी को छोड़ दिया अगर आलिया भट्ट को, तो बधाई हो जैसी फिल्म जो है जिसमें कहते हैं कोई सुपरस्टार नहीं है, सिर्फ कंटेंट के बूते पे फिल्में जो अच्छा कर रही हैं, तो क्या है वो मंत्रा है या क्या है राज है या क्या है जिसके बारे में आप बताना चाहें? तो गौरव, आपको पता है हमारे बिजनेस में तो हम ये कह भी देते हैं कि डेस्टिनी के सामने और कुछ है नहीं, बट रियलिटी ये है कि टचवुड एट जंगली पिक्चर्स बहुत ही हमारे वीव मेट रियली रियली गुड टैलेंट. ओके, हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर्स, वो बहुत ही अच्छे हैं. एंड हमारा फोकस हमेशा कहानियों पर होता है. नई कंपनी है, 4-5 साल पुरानी है, तो वी हैड, हमें लगा कि हमारे साथ वैसे भी कोई काम नहीं करेगा. यू नो, किसके दरवाज़े पर हम खटखटाएंगे? तो इसीलिए हमारे हीरो हमारी कहानियाँ हो गई थी. फॉर्चून ये है कि ऑडियंस ने बहुत ही खुले दिल से हमारी कहानियों को अडॉप्ट किया है एंड बहुत प्यार मिला है हमारे कैरेक्टर्स. बट इसका क्रेडिट हमारे राइटर्स एंड डायरेक्टर्स को जाता है. अभी शायद आपने एक राइटर्स रूम बनाया और एक रीडर्स रूम भी बनाया हुआ है कि कैसे कंटेंट को बढ़ाने के लिए ये जो है तरीके अपनाए जाएँ. कहानियाँ तो कहीं भी मिल सकती हैं. यू नो, अगर तलवार जो है वो तो अखबार से निकली थी कहानियाँ, राइट? लेकिन जो रीडर्स रूम हमने बनाया था, इट्स बिकॉज रियलिटी ये है कि किताबों में पूरी कहानी, सारे कैरेक्टर्स की जर्नी शुरुआत से लेकर एंड तक होती है, हमें सिर्फ अडेप्ट करना होता है अगर कहानी अच्छी मिल जाए. जैसे कि राजी, कॉलिंग सहमत हरिंदर सिक्का की किताब थी, एंड जब मैंने पढ़ी थी आई न्यू फॉर श्योर कि ये इसकी तो पिक्चर बननी चाहिए. बरेली की बर्फी इज़ ऑल्सो अ बुक, यू नो, फ्रेंच किताब लिखी गई थी. पर इतनी किताबें पब्लिश होती हैं, इतनी किताबें पब्लिश हुई हैं, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारी जो टीम है, जो छोटी सी टीम है, कि हम सब कुछ पढ़ें. इसलिए हमारे जो रीडर्स नेटवर्क है वो पूरे कंट्री में है. ओके, अक्रॉस 6 सिटीज़, एंड वो हमारे लिए किताबें पढ़ते हैं, यू नो, पूरे डिटेल में हमारे लिए स्टोरीज भेजते हैं. एंड उनके क्या विचार हैं, पिक्चर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, वो हमें भेजते हैं. फिर हम, अगर हमें लगा कि यू नो दैट इज़ ट्रू, इसकी एक्चुअली कहानी बनती है फॉर द बिग स्क्रीन, हम पढ़ते हैं. बट एज अ रिजल्ट ये 4 सालों में वी हैव एन अकाउंट ऑफ ओवर 500 बुक्स एंड डेटाबेस है. एंड ये पूरा डेटाबेस, अगर आप आओ ऑफिस में तो एक क्लिक ऑफ अ बटन, कौन ऑथर है, कहाँ पब्लिश हुई थी, कहानी क्या है, उसकी कैरेक्टर्स कौन से है, सब है. तो जो पर्दे के पीछे की चीज़ें, जो एक कंटेंट, एक जो फिल्म बनती है, उसको जब आप लाते हैं पर्दे के पीछे, जो मेहनत होती है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि प्रोड्यूसर का रोल क्या होता है आज, कैसे वो जो डेफिनेशन बदल गई है. प्रोड्यूसर का रोल आई थिंक इज़, एंड नॉट बिकॉज मैं प्रोड्यूसर हूँ, बट आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट रोल. एक तो पहले चीज़, मोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अपने पैसे लगाते हैं, यू नो. सो व्हेन इन्वेस्टमेंट, हम अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं एक कहानी बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, देन डिटेलिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट या कॉन्सेप्ट अप टू स्क्रीन, वो डिटेलिंग में हमें, यू नो, हमें काम करना पड़ता है, एवरी डिपार्टमेंट, बिकॉज
And ye to agar aap kahin bhi Bombay mein aao and kisi se bhi baat karo, it's never ke films fail hoti hain, hum hamesha kehte hain budgets fail hote hain. To if you actor ko poocho ya director ko poocho, unko lagta hai ke producer ka kaam hai apne paise ginna ya paise dena nahi. But that is not true, you know. It's just ke hum apne paise kahan aur kaise invest kar rahe hain, kya audience ki viewing experience behtar ho rahi hai uske saath, kahani mein ye paise jaane chahiye ki nahi jaane chahiye, wo background hota hai. The other part of it is ke kahani ko one ek to picture ban jati hai, dusri release karne mein bahut mehnat lagti hai, utni hi mehnat lagti hai jitni banne mein lagti hai, you know, marketing, distribution, uske sales worldwide kaise leke jaye. So from a producer perspective, I think for every firm, at least hamara minimum 2 saal rehte hain from story to concept, and her department ke head. So agar director set par aata hai, to it is the director's work ke 100-150 jan ko sambhalna. Producer ka job hai wo director ko sambhalna. Aur jo dekhen, jo aapne film ne produce kari, usme ki aapne 3 female film directors ke sath kaam kiya. जोया के साथ काम किया आपने, मेघना गुलजार के साथ काम किया, अश्विनी अय्यर के साथ काम किया, कहानियाँ भी आपकी बरेली की बर्फी, राजी हो, या फीमेल ओरिएंटेड है, तो ये कोई नेचुरल टेंडेंसी है या फिर कंटेंट आपको, व्हाट अट्रैक्ट्स यू नो यू पिक एंड चूज दोस थिंग्स? नो नो, सो वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मेट इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट एंड वेरी टैलेंटेड वुमेन, बट ये यू नो इट्स नॉट एजेंडा बेस्ड नहीं है कि सिर्फ फीमेल डायरेक्टर्स या फीमेल लेखक एंड वुमेन बेस्ड स्टोरीज कहनी है. इट हैज़ बीन गुड फॉर्चून, ये कहानियाँ मेरे डायरेक्टर्स के साथ थी. एक मिथ जो अब टूट रहा है, जो देखें अभी कुछ हाल फिलहाल में जो फिल्में जिन्होंने अच्छा किया है, चाहे बधाई हो, चाहे अंधाधुंध हो, स्त्री हो, जहाँ पर स्टार्स नहीं हैं बट कंटेंट इस तरीके था, प्लस बहुत रियलिस्टिक जगहों पर, चंदेरी में, दिल्ली में, या ऐसी जगहों पे शूट हुई थी और वो बहुत अच्छा कर गई हैं. आई डोंट थिंक फॉर्म्यूला है. एक रियलिटी जो है इसके ऑडियंस, अगर आप उनके तौर से देखो, ये अपॉइंटमेंट व्यूइंग है, 4 घंटे की अपॉइंटमेंट व्यूइंग. यू नो, कोई सोचता है कि मैं जाऊंगा, अपने घर से निकलेंगे, 250 रुपये खर्च करेंगे, 3 घंटे बाहर रहेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑडियंस में बदली हुई है कि अगर हमें एंटरटेनमेंट तो चाहिए. सो आई विल टेल यू कि एंटरटेनिंग सिनेमा मसाला जो एंटरटेनर्स हम कहते हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम थिएटर के अंदर आ रहे हैं तो हमें दिलचस्प कहानियाँ देखनी हैं, एंड अगर वो दिलचस्प नहीं हो तो रियलिस्टिक हो, लेकिन कहानी के अंदर दम होना चाहिए. सो अगर ये साल आप देखो 2018 का है, इट इज़ अ टेस्टिमनी कि स्टोरीज हैव प्रिवेल्ड ओवर स्टार्स. आगे भी आने वाले समय में आप यहाँ से क्या कुछ कहानियाँ उठाना चाहेंगी, यहाँ के एक्टर्स को लेना चाहेंगे? जैसे फिक्की में हमारे चेयरपर्सन रेणुका टंडन जी स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम कर रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट यू नो वुमेन फोर्स विच इज़ स्किल्ड इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ फिल्म प्रोडक्शन. तो उसके लिए अगर कुछ आप यू वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट, या आप कुछ जो है कमिट करना चाहें, या व्हाट आर यू लुकिंग एट, वो मैं जो है आपसे जानना चाहूँगा. The easiest way is we have a Junglee Pictures link. So anybody who has a story and wants to submit it, we'll pass the details on over there. We take our stories from everywhere. There is, and you know, we don't question. And even, you know, when I mentioned that there were doctors who walked in with a story for us, they had written a 170-page screenplay. And it wasn't a screenplay, it wasn't a film story, but we saw the opportunity and we attached it. So short film stories, anything, you know, please submit it. We read everything that comes to us. So my question is that if we want to create a very small stories, or you know, for 10 minutes or 30 minutes, so where we need to focus on that? You're saying if it's not features, but if it's short stories, short formats, 10 minutes, 15 minutes, what kind of stories, right? That's the question? Yes, very true. Actually, this format has the maximum flexibility.
You know, so there is no trend that is genre specific that allows, you know, this is the most experimentative. A short story format is working across genres. I think some of the best ones, in fact, I will tell you that Nina Gupta's casting in Badhaai Ho came from a short film that we watched, that Amit and I watched, that she had done with Jackie Shroff. So the focus needs to be on your story. If it's a drama, then please ensure that the narrative structure is such that by the 15th minute, we all feel the sense of drama. Or if it is, you know, if it is a comedy, just make sure that the story format is working in that thing. And there are companies that are actually looking for writers and directors for the short formats. You know, and if you'd like, just give me your email ID. We will put you on to a few people who actually do this. I know brands like McDowell's and all, they have the great short stories. That is a format that they follow. So far, they've been using ad filmmakers to make these stories, but there is a huge demand. And mostly, everybody that we know kind of creates this and puts it up on YouTube as YouTube links. We hear of people saying, ki, I want to become an actor. We hear of people saying they want to become a filmmaker, director, a writer, a lyricist, singer. But we never hear people saying they want to become a producer. How does that really pan out as a career option, you know? Okay, look, that's a good question. For all of us who've been in the business now, we've come up the ranks. All right, we came into the industry just wanting to be a part of films in some format or the other, and over a decade we've worked our way up, and that is from literally the studio side of it. But you have a lot of people who come in from even other parts of the country saying that we want to be producers, and this comes mostly because of the backing of finance. They come with financial backing. And that's what I'm saying. The myth is that the producer is a financer. Reality is that today a producer cannot afford only to be a financer. And you need a producer who has an understanding of the business, right from script to exploitation of the rights of your film. So the word producer means different things for different people. But the connotation really is, if you have the money, you become the producer. That is why people don't aspire to be a producer, because you think you need the bank balance. Today, a producer will not invest in the journey of making a film if they're not convinced in the story. And it has become very, very collaborative. I think that's because everybody in the value chain, whether it is an actor, director, or technicians who are involved in making a film, understand that the success ratio is very low in the business. So you need every department to come together in believing that the story that you're making is the best story. You know, and also please understand, for everybody over here who talks about films that fail, I don't know a single producer in this industry who sits down and says, for 2 years, I'm going to work really hard to make a flop film. Okay, so it is a business of belief. According to a producer, how much creativity is important and how much a business is important? It's interlinked, and one cannot do without the other. This is actually truly, it needs to be the perfect blend of art and science. You know, and it's art first, and we back it up with science and commerce. You know, think about it, that it'll begin with the story and creativity, and then you will start saying, okay, what is the range of the story? Does the story have the ability to travel, and hence what should the budget be now? You know, and the best way to describe our industry is, everybody says show business. But nobody really wants to focus on the business. No one really wants to talk about the business. It's not show, you know. It is a show business. So we need to put the business, we need to back that with the business. And moreover, we've become sensitive to that. We know that without the creativity, there is no business. You know, so we put our belief behind the art. Thank you so much, Preeti ji, for coming all the way from Mumbai to Lucknow.
and for enlightening us on this. Thank you, ma'am.